वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थ मूवमेंट्स पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डेल्टा एकेडमी लगातार फिज़िकल ज्योग्राफी पर अपनी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत लाभान्वित रही होंगी अभी तक, और आगे भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिकों के साथ हम लोग इसी रूप में उपस्थित होते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, डेल्टा एकेडमी जो है अपने यहाँ पर गाज़ियाबाद कुशलिया एक जगह है, वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें मैस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आप लोग यहाँ पर पीसफुली रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, और जो जून का एग्ज़ाम है उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रह कर के तैयारी कर सकते हैं और अपने अधिकतम समय को बचा सकते हैं। आप लोग ग्रुप डिस्कशन या फिर जो छोटी मोटी आप लोगों की समस्याएं आती हैं उसके लिए भी हम लोग समय समय पर क्लास की व्यवस्था कराते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अर्थ मूवमेंट्स पर। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो भू संचलन है वो किस रूपों में होता है? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं भू संचलन की, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो लैंडस्केप हैं, जो हम लोग आज देख रहे हैं, पृथ्वी की जो क्रस्ट पर पाए जाने वाली भू आकृतियाँ हैं, लैंडस्केप हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो साइंटिफिकली बात ये है कि जब भी कोई परिवर्तन किया जाता है किसी वस्तु की पोजिशन में, तो उसके लिए हमें बल की ज़रूरत होती है, एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम फोर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि फ़ोर्स क्या है। दोस्तों, फोर्स पुल एंड पुश के फॉर्म में जाना जाता है। आप लोग 9, 10 से या उससे छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्स। तो फोर्स इज़ ए पुल एंड पुश, दैट इज़ एन एक्सटर्नल एफर्ट विच इज़ चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अर्थात बल जो है एक बाहरी कारक है, एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा वस्तुओं की अवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया जाता है या बदल दी जाती है। सपोज दैट, मान लो आप अगर किसी मकान की दीवार को धक्का दें तो मकान की दीवार गिर नहीं सकती है, लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं तो यह भी एक बल ही होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ को धक्का दे करके उसे गिरा देते हैं या उसकी पोजिशन को बदल देते हैं तो वो भी बल होगा, जिसे हम पुल और पुश के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, फोर्स इज़ ए पुल एंड पुश। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ये खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है और इसको धक्का दे रहा है। दोनों के ही माध्यम से हम लोग इस ब्लॉक की, ये जो ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं, इसकी पोजीशन को बदल सकते हैं, इसकी अवस्था को बदल सकते हैं। ये उठ करके यहाँ आ सकता है या इसके आगे भी जा सकता है। तो दोस्तों, बल जो है, इस प्रकार के जो बल हैं वो पृथ्वी पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो उसका लैंड फॉर्म है, जो उसकी भू आकृति है, वो लगातार बदल रही है। पहले कभी पृथ्वी जो है वो बिना जोन के रही होगी, जैसे आज हम लोग बांटते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन इस टाइप से करके। तो जो कटिबंध हैं वो कटिबंध उस समय पर स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर लैंडस्केप जो था वो एक प्लेन फॉर्म में रहा होगा, एक समतल भूपृष्ठ रहा होगा। बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण पृथ्वी की सतह पर कहीं पर प्लेट्यू आ गए, कहीं पर माउंटेन आ गए, कहीं पर अलग अलग टाइप के लैंडस्फॉर्म जमे। वो सब के पीछे जो कारण था वो फोर्स था। अब हम इन्हीं फोर्स को जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर जो फोर्स हैं वो कौन से हैं, या उनको हम क्या कहते हैं जो पृथ्वी पर कार्यरत बल हैं। तो इस प्रकार के बलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है एंडोजेनेटिक फोर्स है, जिसको हम अंतर्जात बल के रूप में जानते हैं, और दूसरा बहिर्जात बल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अंतर्जात बल, अंदर की ओर कार्य करने वाला बल, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कार्य करने वाला बल है, जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, उसी को अंतर्जात बल कहते हैं। और इसके माध्यम से जो पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाली जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो एक्टिव रहती हैं, अर्थात टेक्टोनिक प्लेट में जो मोमेंट है वो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण ही है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे इसके अंतर्गत एक्सोजेनेटिक फोर्स भी है, और उसमें हम कौन कौन सी बातों को रख सकते हैं इस पर हम देखते हैं। अंतरजात बल, ये जो अंतरजात बल हैं ये दो प्रकार के हैं। इसमें पहला जो है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स है। डायस्ट्रॉफिक फोर्स का मतलब होता है कि जो सरफेस है पृथ्वी का उस पर क्या चेंज आ रहा है, और दूसरा सडनली अचानक से आने वाले फोर्स हैं, जिसमें हम भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शन को रख सकते हैं, जो अचानक से फूट जाते हैं।
यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स या पटल विरूपणी बल है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के चेंज देखते हैं या दो प्रकार के बलों को रखते हैं, जो एपेरोजेनेटिक और ऑरोजेनेटिक के नाम से जाना जाता है। एपेरोजेनेटिक जो है वो महादेश जनक है, जिसके द्वारा कॉन्टिनेंट जो हैं वो खिसक रहे हैं, इधर उधर को चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो ऑरोजेनेटिक है उसके अंतर्गत पर्वत जो बनते हैं, जो माउंटेन बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं। एपेरोजेनेटिक में पूरी की पूरी क्रस्ट जो है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेटें हैं, वो या तो नीचे की ओर जाती हैं या उसके ऊपर की ओर चली जाती हैं। अपवर्ड फोर्स हैं या फिर डाउनवर्ड फोर्स हैं। अगर अपवर्ड फोर्स होगा तो इसको हम निर्गमन कहते हैं, और अगर इमर्जेंस, और अगर ये नीचे की ओर होगा तो इसे सबमर्जेंस कहते हैं, निमज्जन कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर जाने के लिए निर्गमन और नीचे जाने के लिए निमज्जन, अर्थात इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर है जिसके द्वारा ये दिखाया गया है कि जो क्रस्ट है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है और इसमें कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ये लिथोस्फेयर है जो क्रस्ट का पार्ट है, और इसके नीचे एथनोस्फेयर है जो मेंटल का पार्ट है। मेंटल पिघली हुई अवस्था में, इसलिए लाल रंग से दिखाया गया है, और ये रॉकी फॉर्म में है। ये दो क्रस्ट जो हैं आपस में आमने सामने टकरा रही हैं, और इसमें दो क्रस्ट के नाम दिए गए हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट है और दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अर्थात ये जो है ठोस है और ये पानी से भरी हुई है जिसमें ओशियन है। ये एक दूसरे के अपोजिट गति कर रही हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप और यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस वाले बाउंड्री पर आकर ये मिलती हैं। इस बाउंड्री पर यहाँ पर एक ट्रेंच बनता है, खाई बनती है, ट्रेंच। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे मैरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच है, सबसे गहरा ट्रेंच है। इस पॉइंट पर आकर जो हल्की प्लेट होती है वो नीचे की ओर, ये हल्की प्लेट है, ये नीचे की ओर चली जाती है, और जो भारी प्लेट होती है उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, इस टाइप से फोल्ड पड़ जाते हैं। एक मिनट, ये जो भारी प्लेट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये भारी प्लेट है और इसमें इस टाइप से करके फोल्ड पड़ जाते हैं, जिसे हम माउंटेन बनना कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, ये नीम फोल्ड माउंटेन है इसीलिए, क्योंकि इसमें फोल्ड पड़े हुए हैं और ये अभी अभी बना हुआ है और अभी भी बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए इसे हम नीव मतलब नया नया वलित पर्वत के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो क्रस्ट होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। आप लोग देखेंगे इसकी जो जो लेयर्स हैं वो दूर दूर हो जाती हैं, और हल्का सा भी अगर प्रेशर पृथ्वी के अंदर होगा तो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के रूप में निकल जाएगा बाहर। तो जो माउंटेन्स होते हैं या जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहाँ पर जो क्रस्ट हैं वो कमज़ोर होती हैं और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। दुनिया भर में जो सबसे बड़े वॉल्कन पाए जाते हैं वो ऐसी सिचुएशन में पाए जाते हैं, जहां पर दो क्रस्ट एक दूसरे से पास पास टकरा रही हैं, या फिर दो क्रस्ट एक दूसरे से अलग अलग जा रही हैं। ये ऐसे भी मूव कर सकती हैं, अगर ये ऐसे मूव करेंगी तो ये फॉल्ट बनाती हैं। फॉल्ट मतलब एक तरीके से भ्रंश, जिसमें एक खाई सी बनती चली जाती है, तो इस खाई को ही हम फॉल्ट के रूप में जानते हैं। तो अगर ये दूर दूर हटेंगे तो फॉल्ट बनेगा, इस पर हम चर्चा किसी और नई क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक अगले टॉपिक पर चलते हैं, व्हाट आर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थात बहिर्जात बल क्या हैं। तो जो पृथ्वी की पृष्ठ पर यानी कि उसके वायुमंडल के द्वारा जो कार्यरत बल हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। दीज आर द टू मेन प्रोसेस आर अंडर परफॉर्म एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत दो प्रोसेस मेन काम करते हैं, पहला डेनुडेशन का है और दूसरा डिपोजिशन का है। अगर हम डेनुडेशन को हिंदी में कहेंगे तो अनाच्छादन है। अनाच्छादन मतलब जो ढकी हुई चीज़ है, जो आच्छादित है, उसको अनाच्छादित करना, अर्थात उसको हटा देना। ऐसा काम जो है हमारा वेदरिंग के द्वारा होता है और साथ साथ इरोजन के द्वारा होता है। इरोजन, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग समझेंगे अपक्षय, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपक्षय। अपक्षय मतलब जब सनलाइट किसी रॉक पर सनलाइट पड़ती है तो रॉक एक्सपेंड होती है, इससे उसके जो क्रिस्टल हैं वो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, और ये क्रैक पड़ते पड़ते वो बड़े बड़े बोल्डर्स में, फिर उसके बाद छोटे छोटे, फिर उसके बाद छोटे छोटे, और अल्टीमेट जो है वो लास्ट में एक डिपोजिशन के रूप में, मिट्टी के रूप में रह जाती है। ये रॉक इकट्ठी हुई है और इसी को फिर बाद में ये मिट्टी के फॉर्म में बन जाती है, और जब कभी बारिश होती है
तो इससे इरोज हो जाता है, इरोज मतलब खुरचना। तो ये खुरच करके इसे इकट्ठा करके कहीं एक जगह डिपॉजिट कर देती है। तो ये बहुत अच्छा वो है, और ये डिपोजिशन लगातार चलता रहता है, इससे नई फॉर्मेशन, नए जो क्रस्ट हैं या जो रॉक्स हैं वो बनती हैं, सेल्स जो हैं उन बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से डेनुडेशन और डिपोजिशन, डिपोजिशन और इरोजन, ये इरोजन और डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन ये कई रूप में हो सकता है। ये ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है, ये एयर के द्वारा हो सकता है, ये रिवर्स के द्वारा हो सकता है, ठीक है, और भी प्रोसेस हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें मेन जो प्रोसेस है वो बारिश है, रिवर्स हैं जो फ्लड के समय पर इकट्ठा कर देती हैं, और साथ ही साथ हवाएं हैं, आंधी तूफान, उन सब के द्वारा भी डेनुडेशन, इरोजन और ये सब चीज़ें की प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों ये एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं जो पृथ्वी पर लगातार बदलाव कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हम बात कर रहे थे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं दो प्रकार के हैं, जिसमें हम बात करते हैं एपेरोजेनिक और ओरोजेनिक, अर्थात महादेशजनक, जिससे कॉन्टिनेंट जैसी चीज़ें बनती हैं, प्लेट टेक्टोनिक बनती हैं, और महादेशजनक, महादेशजनक और पर्वत, जिनसे पर्वत बनते हैं। तो पर्वत बनने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन में, जब क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो आपस में मूव करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में और किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो उससे पर्वत बन जाते हैं। कई बार पर्वत जो होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी बनते हैं, लगातार लावा निकलता रहता है, तो उससे भी जो है रॉक बनती चली जाती हैं, जैसे जापान। तो दोस्तों इसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसी टाइप से जो ऑरोजेनेटिक हैं वो दो रूप में देखने को मिलते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन कहाँ पर होगी, जहाँ पर ये एक साथ मिल रहे होंगे, जहाँ पर टेंशन जो फोर्स होगा वो तब होगा जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, और इससे क्रैक और फॉल्ट पड़ते हैं, कंप्रेशन तब होगा जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। इसे हम क्रस्टल बेंडिंग भी कहते हैं, भूपटल का मुड़ना या बंकन कहलाता है, और इससे रैपिंग होती है। इस टाइप से रैपिंग हो सकते हैं या फिर फोल्ड हो सकते हैं, फोल्ड बन सकते हैं। तो ये दो टाइप की, रैपिंग और फोल्ड। फोल्ड जो होते हैं रैपिंग का एक पार्ट है, या रैपिंग जो है वो भी फोल्ड का पार्ट है, और जो रैपिंग है वो दो टाइप से हो सकती हैं, अप रैपिंग एंड डाउन रैपिंग। तो दोस्तों इस टाइप से पृथ्वी पर जो फोर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, और रेफरेंस बुक के रूप में आप एक सविंदर सिंह को ले सकते हैं। एक बार समरी रूप में हम पूरे मोमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। ये अर्थ मोमेंट है, और इसमें दो टाइप के फोर्स हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। यहाँ पर डायस्ट्रॉफिक फोर्स है। डायस्ट्रॉफिक फोर्स का मतलब हम लोग अभी बात कर चुके थे, पटल विरूपनी, जिससे हम पटलों का निर्माण होता है, सरफेस का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत एपेरोजेनिक या कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन है, और ओरोजेनिक यानी कि माउंटेन बिल्डिंग्स है। इसके अंतर्गत अपवर्ड डाउनवर्ड काम करते हैं, ऊपरमुखी या निर्गमन, और अधोमुखी बल या फिर निमज्जन। साथ ही साथ इसमें टेंशन, तनाव और कंप्रेशन मतलब संपीड़न इसके द्वारा, और ये आगे भी हम टेंशन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, और इसी को आगे भी हम वो कर सकते हैं। सडन मूवमेंट्स हैं। सडन मूवमेंट्स के अंतर्गत अर्थक्वेक आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। एक्सोजेनेटिक के अंतर्गत वेदरिंग है और इरोजन है। वेदरिंग फिजिकल हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल के अंतर्गत टेम्परेचर और प्रेशर, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। केमिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिलजुल करके कठोर चट्टानों को सॉफ्ट चट्टानों में बदल देते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल इरोजन भी हो रहा है लगातार, जैसे ह्यूमन बींग के द्वारा कुछ ना कुछ नया काम करते रहना, इसी तरीके से बैक्टीरिया के द्वारा, एल्गी के द्वारा, या फिर प्लांट्स के द्वारा बड़े बड़े रॉक को तोड़ करके छोटे छोटे उसमें पार्ट में बांटना भी काम चल रहा है। ये बायोलॉजिकल है, जो जीव द्वारा हो रहा है। इरोजन जो है आइस के द्वारा, यानी ग्लेशियर के द्वारा, रिवर वाटर के द्वारा है, समुद्र में आने वाली जो लहरें होती हैं वो भी किनारों को तोड़ती रहती हैं, ये भी एक इरोजन का काम है। विंड है, और साथ साथ में अंडरग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर के अंतर्गत जो हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स हैं वो पानी में घुल जाती हैं, चूने की जो चट्टाने हैं वो घुल जाती हैं, और घुल करके पानी इधर उधर बह जाता है, इससे एक खाली वो बन जाता है जो गुफाओं के रूप में हमें दिखाई देता है। और इस टाइप का मियामी जो यूएसए का एक स्टेट है, वहाँ पर इस टाइप के होल्स देखने को मिल रहे हैं, उसके नीचे बहुत बड़े बड़े होल्स हैं, तो आप लोग उस पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से अर्थ मूवमेंट्स हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी रूप में आप आगे जुड़ते रहें,
और अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।